हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। छमाछम बारिश में कुछ चटपटा स्पाइसी और मजेदार खाने का मन करता है तो आज की ये अचारी आलू की रेसिपी परफेक्ट है। इसे आप स्टार्टर में भी सर्व कर सकते हो या दावतों में भी सर्व कर सकते हो। तो चलिए ये मजेदार रेसिपी कैसे बनाएं वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 400 ग्राम्स बेबी पोटैटोज लिए हैं और इसकी स्किन हमें पील ऑफ कर देनी है। अब ये जो पोटैटोज है उसके हमें प्रिक करना है, तो एक फोक लिए है और एक फोक की हेल्प से हमें उसे प्रिक कर लेना है। प्रिक करना बहुत ज़रूरी स्टेप है एज इसके अंदर सारे मसाले इसमें समा जाते हैं और हमारे जो बेबी पोटैटोज है मसाले के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और मसाले की ओर बढ़ जाते हैं। अब मसाले में हमने यहाँ पर 2 टीस्पून धने लिए हैं, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून राई लिए हैं, 1/4 टीस्पून मेथी सीड्स लिए हैं और 2 कश्मीरी सूखी मिर्ची लिए हैं और उसके 2-2 पीस किए हैं, यानी ये 4 पीसेस हो गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ जाते हैं। अब हमने एक तवा लिए है और इसमें हमें ये सब हमारे सूखे मसाले डाल देने हैं। इसे हमें ड्राई रोस्ट करके ले लेना है। ड्राई रोस्ट करना ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है एज जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं, कुरकुरे हो जाते हैं, तो ग्राइंड बहुत जल्दी हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू रिलीज़ करते हैं। अब ये उछलने लगे हैं, यानी ये बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट हुए हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू से पूरा किचन हमारा महक रहा है। तो चलिए अब ये ठंडा करते हैं और फिर उसे ग्राइंड करके लेते हैं। अब ग्राइंड करने के लिए हमने एक छोटे जार में डाला है और इस तरह से उसे दरदरा हमें ग्राइंड करके लेना है, हमें बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं ग्राइंड करना है। फ्रेंड्स अभी हमने फ्लेम ऑन किए, पैन चढ़ाया, उसमें 3 चम्मच ऑयल ऐड कर दिए, 1/4 चम्मच हमने हींग डाले, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और डाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल है, 1/2 टीस्पून कलौंजी डाले है और हमने इधर 2 सूखी मिर्ची को छोटे पीस कट करके ऐड कर दिए। जब ये तड़का अच्छे से क्रैकल हो जाने लगता है तो हमें इसमें हमारे आलू ऐड कर देने हैं। फ्रेंड्स आलू को हमें इस ऑयल में फ्राई करके ले लेने हैं। फ्राई करने से ये आलू को बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और जो क्रस्ट आएगी ऊपर उससे बहुत ही इसका स्वाद दुगना हो जाता है। अब 1-2 मिनट के लिए इसे अच्छे से फ्राई करके ले लेते हैं। 1-2 मिनट में उसके ऊपर बहुत ही अच्छी एक क्रस्ट आ जाती है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं तो इसमें हमें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर लेनी है। अभी अच्छे सी क्रस्ट आई थी तो 1/2 टीस्पून हल्दी हमने ऐड कर दिए और उसके बाद जो मसाला हमने दरदरा पीसे थे वो हमें ऐड करना है। इसे हम स्टर करेंगे ताकि सारे जो मसाले हैं वो आलू पे कोट हो जाए। जब अच्छे से आलू पे सारे मसाले लग जाते हैं और कोट हो जाते हैं तो इसमें हम 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालेंगे। इससे हमारे अचारे आलू को बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, ये ज़्यादा तीखे नहीं रहते हैं और कलर अच्छा आता है। 1 टीस्पून नमक डाले हैं और 1 टीस्पून हमने आमचूर पाउडर डाले है, इससे बहुत ही अच्छा चटपटा फ्लेवर आ जाएगा। अब इसे हम अच्छे से स्टर करके ले लेते हैं ताकि सारे मसाले हमारे आलू पे कोट हो जाए और मसाले अच्छे से आलू पे लिपट जाए। जब ये इस तरीके से मसाले लिपट जाते हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करना है। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमें इतना ही पानी डालना है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। एकदम फ्लेम हमें सिम करना है और 2 मिनट के लिए इसे लिड लगा के रख देना है। देखिए बहुत ही अच्छे से मसाले हमारे पक गए हैं और बराबर एकदम अच्छे से कोट हो गए, लिपट गए। इस तरीके से कितने जायकेदार लग रहे हैं ये अचारे आलू। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे ताकि ये और थोड़े चटपटे हो जाए और 1 टीस्पून यहाँ पर हमने चाट मसाला ऐड कर दिए। बहुत ही चाट मसाले से ये बहुत ज़्यादा जायकेदार और डिलीशियस लगते हैं। अब इसके ऊपर हरी फ्रेश धनिया डालिए ताकि ये स्वाद के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा कलर ऐड कर देगा हमारे अचारे आलू में।
इस तरीके से स्टर कर दीजिए। सारे मसाले एक साथ आ गए हैं और देखिए हमारे अचारी आलू कितने डिलीशियस और जायकेदार लग रहे हैं। अब हमें इसे सर्व कर लेना है, एज हमारे अचारी आलू बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी हो गए हैं। फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में जब भी चटपटा खाने का मन हो तो ये अचारी आलू जो बहुत झटपट बन जाते हैं, इसे ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अचारी आलू की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे दोबारा बहुत ही अच्छे अच्छे और जायकेदार रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद कीजिए और हमारे वीडियोज़ देखते रहिए। Till then, take care. Thank you and bye-bye, friends.